जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे भाई गैंग, कैसे हैं मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और तमाम फैमिली और फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों के जबरदस्त से मजे में एंजॉय करेंगे मेरे ब्लॉग्स को, जुड़े रहेंगे मेरे चैनल के साथ। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये था कि यार 6 पॉइंट सिस्टम जो है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का और रेजिडेंसी गेट करने का, उसके लिए कुछ उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें कि यार 6 पॉइंट सिस्टम कैसे वर्क करता है और हम किस तरह फिट इन होते हैं इस सिस्टम में। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, बहुत कुछ है इस वीडियो में और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मस्ट है। मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ सिस्टम की तरफ और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि किस तरह आप इस 6 पॉइंट्स को अटेन करोगे और अगर नहीं है तो क्या क्या पाथवेज है जो कि आप ले सकते हो इन 6 पॉइंट्स को पूरे करने के लिए और इवेंचुअली न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को एक्वायर करने के लिए। तो चलें सिस्टम की तरफ। तो भाई मैं आ गया हूँ सिस्टम की तरफ और अभी मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे तमाम वो स्टेप्स जो स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं और 6 पॉइंट सिस्टम क्या है इसको डिटेल में देखते हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये है कि आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए किसी भी हवाले से, तो आपने किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करना, आपका सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होना चाहिए इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है इस पर एवरी डिटेल अवेलेबल है, ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं immigration.govt.nz और इस वेबसाइट के थ्रू आप तमाम जर्नी को एक्सिक्यूट कर सकते हो, खुद कर सकते हो किसी भी हेल्प के बगैर, किसी भी मेंटोरशिप के बगैर। और जितनी भी मेंटोरशिप और हेल्प आपको रिक्वायर्ड होती है वो सिर्फ प्रोसेस को फास्ट कर देती है क्योंकि उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपको बेहतर तौर पे गाइड कर देते हैं, आपका थोड़ा सा टाइम बच जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको स्पेशली पता है या कुछ ज़्यादा नॉलेज है आपकी बनिस्बत, आप सारा कुछ सर्च आउट कर सकते हो, सारा कुछ अपने तौर पे भी देख सकते हो और अपनी जर्नी को खुद भी प्लान कर सकते हो, बल्कि आई वुड इनकरेज यू गाइज कि आप खुद करो, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते हो, जो भी आपको ये बोलता है कि यार खुद आप नहीं कर सकते तो इट्स जस्ट लाइक अ फेक स्टेटमेंट, बिकॉज ईच एंड एवरी डिटेल इज़ अवेलेबल ऑन द इमिग्रेशन न्यूजीलैंड वेबसाइट और आपको सिर्फ उस डिटेल को समझना है और देखना है कि यार आप कहाँ पे फिट इन होते हो और क्या चीज़ आपके लिए सूटेबल है और कौन सी ऑप्शन आपने लेनी है। हाँ, आप किसी से भी कंसल्ट कर सकते हो, कुछ हेल्प ले सकते हो, दैट्स अनदर थिंग, बट किसी भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ आपका यही होना चाहिए इमिग्रेशन न्यूजीलैंड वेबसाइट। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप कंसिडर ना करो, वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप उसको कंसिडर करोगे तो फिर जो चीज़ असल होगी, जो ओरिजिनल होगी, वो पीछे रह जाएगी और आप चल सो चल उस ट्रैक पे चलना शुरू हो जाओगे जो आपको कहीं भी लीड नहीं करेगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट को कंसिडर करो फॉर ईच एंड एवरी डिटेल यू वॉन्ट, ठीक है। तो अभी ये देखो immigration.govt.nz पे मैं आ गया हूँ और मैं सर्च किया है कि यार इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के ऊपर न्यूजीलैंड स्किल्ड रेजिडेंस पाथवेज, तो ये आपको बता रहा है कि यार क्या क्या पाथवेज अवेलेबल हैं न्यूजीलैंड स्किल्ड रेजिडेंस को एक्वायर करने के लिए। तो भाई 3 पॉसिबल पाथवेज हैं जिनके थ्रू आप स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और रेजिडेंसी एक्वायर कर सकते हो न्यूजीलैंड में इस वक्त। वो है स्किल्ड माइग्रेशन रेजिडेंट पाथवे, ग्रीन लिस्ट पाथवे और केयर वर्कफोर्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर एग्रीमेंट पाथवेज। आई एम नॉट अ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइस प्रोवाइडर, ठीक है। और जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पजेज तक है और इसका पर्पज़ कोई भी आपको इन्फ्लुएंस करना नहीं है, कोई भी आपको अट्रैक्ट करना नहीं है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिज़नेस रिलेटेड हो। ये सिर्फ मेरी रिसर्च के ऊपर बेस्ड है और ये रिसर्च सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए की है ताकि आपको पाथवेज का पता चल सके, आपको इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके और बाकी आपने जो भी अपना काम करना है वो आप खुद कर सकते हो बाय फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शंस एंड बाय फॉलोइंग दीज रिसर्च मटेरियल। और ये जो रिसर्च मटेरियल है ये प्योरली बेस करता है मेरी रिसर्च के ऊपर और मैंने कोशिश की है कि 100% एक्यूरेट हो और टू द पॉइंट हो और स्पेसिफिक हो। अगर आपको कोई इमिग्रेशन एडवाइस चाहिए तो इमिग्रेशन एडवाइस सिर्फ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइस प्रोवाइडर से ही लो, ठीक है भैया। तो मैंने कहा आपको ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। अब चलते हैं यार अपने स्लाइड शो की तरफ। जी तो दोस्तों ये है स्लाइड शो जो मैंने प्रिपेयर किया है, सब कुछ सारा कॉन्टेंट सारा मटेरियल न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं अपनी तरफ से ऐड इन कर रहा हूँ। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट अ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन प्रोवाइडर एंड इफ़ यू वॉन्ट एनी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ इमिग्रेशन एडवाइस यू शुड कॉन्टैक्ट लाइसेंस्ड इमिग्रेशन प्रोवाइडर इन योर एरिया और इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम, राइट। तो लेट्स गो टू अवर स्क्रीन। न्यूजीलैंड स्किल्ड इमिग्रेशन कैटेगरी वीज़ा जिसका स्टेटस ओपन है वो आप भी एक्वायर कर सकते हो। द स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी वीज़ा reopened with new point system on 9th of October 2023. और स्क्रीन पे जो फर्स्ट स्लाइड आपको शो हो रही है इसमें यही बताया जा रहा है कि यार स्किल्ड इमिग्रेशन कैटेगरी वीज़ा स्टेटस ओपन है, यू कैन ईजिली अप्लाई स्किल्ड इमिग्रेशन टू न्यूजीलैंड
यूजिंग दिस ऑप्शन, और इस ऑप्शन के तहत आप आ सकते हो न्यूजीलैंड में। और 9th of October 2023 से 6-point सिस्टम लॉन्च किया गया है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की तरफ से, जो कि ओवरराइड करता है पुराने सिस्टम को जो कि 180 points बेस्ड था। और मैंने जब अप्लाई किया था तब भी वही सिस्टम होता था मोर और लेस, और मेरे पॉइंट्स 186 बने थे उस वक्त। और आई एक्वायर्ड इमिग्रेशन बैक इन 2016, एंड ऑफ 2016, और आई गॉट दिस परमानेंट रेजिडेंसी फ्रॉम पाकिस्तान, और मैं पाकिस्तान में ही एक्वायर करके यहाँ पे डायरेक्टली रेजिडेंट वीज़ा के ऊपर ही आया था। तो चलते हैं यार अपने साइट की तरफ। तो 9th of October 2023 से न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की तरफ से, जो कि 6-point सिस्टम है, विच मीन्स डेट यू ओनली नीड 6 points टू एक्वायर दिस स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी वीज़ा। दिस वीज़ा इज़ ओनली फॉर पीपल हु हैव स्किल्स डेट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू न्यूजीलैंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये स्पेशलाइज स्किल्स जो अगर आपके पास हैं और अगर आप फॉल करते हैं उन स्किल सेट्स के अंदर, तो आप अक्वायर कर सकते हैं इस वीज़ा को। इस वीज़ा का स्टेटस ओपन है, यू कैन ईजिली गेट दैट वीज़ा इफ़ यू हैव द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया एंड द स्किल्स विच आर असेंशियल। इससे पहले आपको कुछ बातें बताता चलूँ कि यार ऑलवेज ट्रस्ट इमिग्रेशन न्यूजीलैंड वेबसाइट, इट शुड बी योर सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, और कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन ना लो, immigration.govt.nz इज़ द बेस्ट रिसोर्स टू सर्च anything, any information you require or you want throughout your journey. Do not trust anyone who is not the approved immigration advisor. If you need any specialized immigration advice, you should consult a licensed immigration advisor. Otherwise, you would be in danger to be misguided, to be not on the right track, और आपका information जो है वो authentic नहीं होगा, और eventually you will end up retracking yourself. But I am sharing this information based on my experiences, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, and this video is only for the informational purposes and it is not an immigration advice at all, right? So let's go to the next slide. So new immigration policy जो है उसमें कुछ ऐसे points हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं। New Zealand immigration policy जो अभी है उसके मुताबिक आप अपने कोई भी points claim नहीं कर सकते for your age, for your overseas skilled work experience, partner's qualification and partner's skilled employment. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार पहले जो था सिस्टम, जो ओल्ड सिस्टम था, उसमें एज के भी कुछ पॉइंट्स मिलते थे, अगर आपका कोई स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस आउटसाइड न्यूजीलैंड है तो उसके भी पॉइंट्स मिलते थे, पार्टनर की क्वालिफिकेशन के भी कुछ पॉइंट्स मिलते थे, और पार्टनर्स की एम्प्लॉयमेंट अगर है, अगर आपका पार्टनर एम्प्लॉयड है और स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट में फॉल करता है तो उसके बेस पे आपको भी कुछ पॉइंट्स मिलते थे। लेकिन अब दिस इज़ नॉट फंक्शनल एट ऑल, सो यू विल नॉट गेट एनी पॉइंट्स फॉर योर एज, फॉर योर ओवरसीज स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस, योर पार्टनर्स क्वालिफिकेशन एंड पार्टनर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। रेजिडेंसी पाथवेज फॉर न्यूजीलैंड, अभी कौन कौन से पाथवेज हैं जिनके थ्रू आप आ सकते हो न्यूजीलैंड में? सो देर आर 3 स्किल बेस्ड पाथवेज डेट अलाउ यू टू गेट न्यूजीलैंड रेजिडेंस। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द स्किल्ड माइग्रेंट रेजिडेंट पाथवे, द सेकेंड वन इज द ग्रीन लिस्ट पाथवे, एंड द थर्ड वन इज केयर वर्क फोर्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर एग्रीमेंट पाथवे। ठीक हो गया, आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ स्किल्ड माइग्रेंट रेजिडेंट पाथवे, विच इज़ द वन लिस्टेड ऑन द टॉप, और जो नीचे वाले दो हैं ग्रीन लिस्ट पाथवे और केयर वर्कफोर्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर एग्रीमेंट पाथवे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी हमारा फोकस रहेगा स्किल्ड माइग्रेंट रेजिडेंट पाथवे पे। ओके, तो जनाब स्किल्ड जॉब और स्किल्ड जॉब ऑफर जो है वो आपके पास होनी चाहिए इन ऑर्डर टू एक्वायर स्किल्ड माइग्रेंट रेजिडेंट पाथवे। अगर आप स्किल्ड माइग्रेंट रेजिडेंट पाथवे पे आना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्वायर अ जॉब ऑफर और इफ़ यू हैव अ जॉब इन हैंड। ठीक है, तो ये कंपलसरी कंडीशन है कि अगर आप न्यूजीलैंड में रेजिडेंट कैटेगरी पाथवे को फॉलो करना चाहते हो तो आपके पास एक स्किल्ड जॉब हो या स्किल्ड जॉब ऑफर हो जो कि 30 और मोर आवर्स पर वीक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयर जो है वो एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर हो, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के साथ रजिस्टर्ड हो, और एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर की तमाम लिस्ट आपको मिल जाती है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के ऊपर। अगर आप गूगल भी करोगे कि एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर्स इन न्यूजीलैंड तो आपको फुल लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स मिल जाएगी। और थर्ड वन ये है कि यार आपकी जो भी जॉब ऑफर है या जो जॉब आपने एक्वायर कर ली है, ढूंढ ली है, हंट कर ली है, तो वो एटलीस्ट फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर 12 months होनी चाहिए, यानी कि एक साल की जॉब होनी चाहिए या फिर वो एक परमानेंट रोल होना चाहिए। इससे छोटी जॉब ऑफर, इससे कम ड्यूरेशन की जॉब ऑफर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें ये है यार कि आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट चाहिए 12 महीने की एटलीस्ट,
या फिर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है तो एटलीस्ट 12 मंथ्स की होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि यार आपके पास जो एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब ऑफर कर रहा है या आपके जो जॉब आपको दे रहा है वो एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए। और थर्ड वन है कि जॉब जो है वो 30 और मोर आवर्स पर वीक होनी चाहिए, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। ठीक हो गया, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात यार मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये वाला स्टेप है इसके कोई पॉइंट्स नहीं है। ये नहीं कि यार अगर आपने जॉब आपको मिल गई है और जॉब ऑफर या आपको मिल गई है 30+ आवर्स की वीक और साथ में आपको 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है और या आपको कोई परमानेंट रोल मिल गया है तो इट डजेंट मीन्स कि यू गेट एनी पॉइंट्स फॉर दिस कंडीशन। इट इज़ बेसिकली अ प्राइमरी कंडीशन, अ मैंडेटरी कंडीशन टू अर्न और क्वालिफाई फॉर अटेनिंग द अदर पॉइंट्स। अगर आपको अदर पॉइंट्स अटेन करने हैं, क्वालिफाई करना है रेजिडेंट कैटेगरी के अंदर, तो आपके पास जॉब ऑफर या जॉब होनी चाहिए और इसके कोई पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। द अबव स्टेप इज़ मैंडेटरी इवन इफ़ यू हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल। अगर आपके पास 6 पॉइंट्स हैं भी, फॉर एग्जाम्पल आपकी डिग्री है PhD की और उसके 6 पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको, स्टिल इफ़ यू डोंट हैव अ जॉब ऑफर इन हैंड और अ जॉब इन हैंड विच इज़ 30 आवर्स प्लस अ वीक and at least 12 months of a contract, still you couldn't able to apply for skilled migrant resident pathway. ये समरी ये है कि भाई आपके पास जॉब ऑफर या जॉब होनी चाहिए 30+ आवर्स की और 12 months का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एटलीस्ट, और एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए जो आपको जॉब दे रहा है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे आप जा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास सारे पॉइंट्स पूरे भी हैं और आप फुलफ़िल करते हो 6 पॉइंट्स को, स्टिल यू कॉन्ट एबल टू प्रोसीड फर्दर। स्किल माइग्रेंट रेजिडेंट पाथवे के अंदर जॉब जो है वो कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। जॉब्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, ANZSCO ENSCO जिसको कहते हैं, वो Level 1 to Level 3 ऑक्यूपेशंस लिस्टेड हैं। अगर आप सर्च करो इमिग्रेशन वेबसाइट के ऊपर जाके ANZSCO Level 1 to Level 3 ऑक्यूपेशंस, ठीक है, तो आपको बहुत से ऑक्यूपेशंस मिल जाएंगे, जैसे एनालिस्ट प्रोग्रामर है, आपका डॉक्टर है, नर्स है, और इस तरह के बहुत से प्रोफेशंस हैं जो कि Level 1 to Level 3 रेट होते हैं, और उनकी जो मीडियन सैलरी है इन न्यूजीलैंड वो शुड बी NZD 29.66 पर आवर, ठीक है। जो 29.66 पर आवर अगर आप अर्न कर रहे हो किसी भी प्रोफेशन में रहकर, और आपकी जो जॉब ऑफर आपके पास है या जो जॉब आपको मिली है वो Level 1 to Level 3 के ऊपर लिस्टेड है, और मिनिमम आपके पास जो मीडियन सैलरी न्यूजीलैंड है उसके ऊपर क्वालिफाई होती है, जो कि मीडियन सैलरी इन न्यूजीलैंड इस वक्त 29.66 पर आवर है NZD, तो वो जॉब आपकी वैलिड जॉब होगी इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर। और जॉब जो है वो अगर Level 4 to Level 5 ऑक्यूपेशन में है तो फिर होना ये है कि भाई आपके पास जो मीडियन सैलरी है 29.66 इसका 1.5 टाइम्स आप अर्न कर रहे हो। Which means if you have a job of Level 4 to Level 5 occupations which are listed on the immigration website, you should be paid 1.5 multiples of 29.66 per hour. अगर आपको इतनी payment मिल रही है आपकी job से तो फिर आप eligible हो skilled migrant resident pathway के लिए। और जितने भी occupations हैं और qualifications हैं और ENSCO की checklist है, इसकी website मैंने ये लिख दी है यहाँ पे, ये इस वेबसाइट पे आप जाके ब्राउज़ कर सकते हो तमाम उन प्रोफेशंस को जो कि ENSCO लिस्ट के अंदर आते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी यार ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और आप वहाँ से भी इस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो और इस URL पे जाके चेक भी कर सकते हो। तो भाई फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि आपके पास जॉब आ गई, आपके पास या जॉब ऑफर आ गई या आपके पास जॉब आ गई जो कि 30+ आवर्स पर वीक की है और मीडियम सैलरी आप अर्न कर रहे हो उसके अंदर, प्लस एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर है, प्लस 12 मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या परमानेंट पोजीशन है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप ये है कि आप क्लेम कर सकते हो पॉइंट्स फ्रॉम एनी ऑफ द बिलो स्ट्रीम्स। ये सिर्फ एक बात आपने देखनी है कि यार आप जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारी स्ट्रीम से नहीं ले सकते, किसी भी एक स्ट्रीम से ले सकते हो। या आप क्वालिफिकेशन से अपने पॉइंट्स पूरे करोगे, या आप ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन से करोगे, या आप इनकम से करोगे। और जो स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस है वो मैंने अभी टच नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि ये मैं आपको लेटर ऑन इसी वीडियो में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू एक्वायर अ जॉब और अ जॉब ऑफर। सेकेंडली इफ़ यू हैव अ जॉब देन यू हैव 3 वेज टू क्लेम योर पॉइंट्स अगेंस्ट दीज स्ट्रीम्स। द नंबर 1 इज क्वालिफिकेशन, नंबर 2 इज ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन,
एंड देन इनकम पॉइंट्स एंड देन द स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस विच आई विल डिस्कस इन डिटेल इन द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस वीडियो. तो पॉइंट्स फॉर क्वालिफिकेशंस अब देख लेते हैं कि यार अगर आपकी क्वालिफिकेशंस के अगेंस्ट अगर आप पॉइंट्स एक्वायर कर सकते हो तो आपको 6 पॉइंट्स स्ट्रेट अवे मिल जाते हैं अगर आपके पास NZQA लेवल 10 डिग्री है, यानी कि PhD डिग्री है. अगर आपके पास PhD डिग्री है जो कि लेवल 10 NZQA फ्रेमवर्क के ऊपर आती है. NZQA फ्रेमवर्क क्या है? NZQA फ्रेमवर्क एक क्वालिफिकेशन असेसमेंट अथॉरिटी है न्यूजीलैंड की, जो आपकी क्वालिफिकेशन को असेस करती है कि यार आप कौन से लेवल अटेन करते हो अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर. तो क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर आपको लेवल अटेन करते हो लेवल 10, तो नॉर्मली NZQA लेवल 10 एक्वायर आप कर लेते हो अगर आपके पास PhD की डिग्री है. लेवल 9 आप एक्वायर कर लेते हो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है आफ्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन. और लेवल 8 आप एक्वायर करते हो अगर आपके पास PGD है और लेवल 8 बैचलर्स ऑनर्स डिग्री है. और इसके अलावा आप लेवल 7 एक्वायर करते हो अगर आपके पास सिंपल बैचलर 4 ईयर डिग्री है. क्राइटेरिया ये है कि यार 6 पॉइंट्स आपको मिलते हैं अगर आपके पास PhD डिग्री है. तो स्टेट अवे इफ़ यू हैव अ जॉब ऑफर और अ जॉब विच क्वालिफाइज ऑल ऑफ द क्राइटेरिया डेट आई हैव डिस्क्राइब्ड अबव, तो आपके पास 6 पॉइंट्स आ जाएंगे PhD के. और आप उस जॉब ऑफर के साथ ये 6 पॉइंट्स PhD के लगाओ और स्टेट अवे आप स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हो. अगर आपके पास PhD की डिग्री नहीं है तो आपके पास 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर आपके पास कोई भी लेवल 9 NZQA इक्विवेलेंट डिग्री है मास्टर्स की. जैसे हम MS कंप्यूटिंग MS डिग्रीज जो हमारे होती हैं एशिया में या पाकिस्तान में, तो आप तमाम वो डिग्रीज़ जो 18 ईयर ऑफ एजुकेशन अटेन करवाती हैं आपको, तो वो सारी डिग्रीज़ इक्विवेलेंट होती हैं NZQA लेवल 9 के. तो इफ़ यू हैव मास्टर्स डिग्री यू विल गेट 5 पॉइंट्स. इफ़ यू हैव बैचलर्स ऑनर्स डिग्री और PGD then you will get 4 points. And if you have simple bachelor's degree or PGD diploma or a certificate, you will get 3 points. तो इस तरह आपके points बनना शुरू होते हैं. तो qualification अगर आप की fall करती है PhD में, you will straight away into the game. और अगर आपके पास 5 points हैं और आप master's degree है तो आपके पास 1 point कम है. और सेम गोज फॉर बैचलर डिग्री और PGD, आपके पास 4 पॉइंट्स हैं तो आपके पास 2 पॉइंट्स कम है. और इसी तरह अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है लेवल 7 के ऊपर और आप 3 पॉइंट्स उसके अगेंस्ट मिलते हैं अगर आपको और आप क्लेम करते हो, तो आपके पास 3 पॉइंट्स अटेन कर लोगे आप और 3 पॉइंट्स कम है. ठीक है, तो आपको बनाने हैं 6 पॉइंट्स. तो क्वालिफिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये ऑप्शंस हैं. अब हम चलते हैं कि यार क्वालिफिकेशंस ओवरसीज होनी चाहिए कि न्यूजीलैंड में होनी चाहिए. काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चंस करते हैं. तो क्वालिफिकेशंस जो है वो आप न्यूजीलैंड के अंदर रहकर भी अटेन किए हों तब भी आपको यही पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आप ओवरसीज भी क्वालिफिकेशंस लेकर आ रहे हो तब भी आपको सेम पॉइंट्स मिलेंगे. एग्जाम्पल ये है कि अगर आपके पास लेवल 10 डिग्री है, अप्लाई आप करते हो स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी वीज़ा के लिए और गो हैड हो जाते हो इफ़ यू हैव अ जॉब ऑफर. लेवल 9 अगर आपके पास 5 पॉइंट्स हैं और आपके पास MS की कोई डिग्री है मास्टर्स की डिग्री है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए. उसके लिए अगर आपके पास एक पाथ ये है कि आप न्यूजीलैंड स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट 12 मंथ्स की करो, एक साल के लिए यहाँ पे काम करो, और एक साल की अगर आपको जॉब मिल जाती है और एक साल आप उस जॉब में रहते हो 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप एक पॉइंट अर्न कर लोगे. मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा ये कैसे होगा. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये है कि यार आपके पास लेवल 9 पे 5 पॉइंट्स मिलेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट और लेवल 10 के ऊपर 6 पॉइंट्स मिलेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट. उसके बाद देख लेते हैं यार ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन. ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन बेसिकली होता है कि यार अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन में हो, जैसे डॉक्टरी है या नर्सिंग है या इस तरह के कोई भी ऑक्यूपेशन है, तो उसके अंदर ये है कि यार आपको 6 पॉइंट स्टेट अवे मिलते हैं कि अगर आपने 6 ईयर्स आपको लगे हैं उस ट्रेनिंग में टू गेन द ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन. अगर आपको 5 ईयर्स लगे हैं ट्रेनिंग में टू गेन दैट ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन, तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे. अगर आपको 6 ईयर्स लगे हैं उसके बाद उस ट्रेनिंग के बाद आपने वो ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन एक्वायर कर लिए, तो आपको 6 पॉइंट्स स्ट्रेट अवे मिलेंगे और यू कैन गो फॉर फाइलिंग योर SMC केस, स्किल माइग्रेशन केस. और 4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर आपको 4 साल लगे हैं ट्रेनिंग के लिए टू गेन दैट ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन. 3 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपको 2 साल लगे हैं उस ट्रेनिंग को करने के लिए टू गेन द ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन. तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर वे आउट कि आप अपने पॉइंट्स को पूरा कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन. तो इट्स गुड फॉर प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, नर्सेज एक्सेट्रा. इनकम के पॉइंट्स, यार इनकम के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकम के पॉइंट्स ये हैं कि यार आपको 6 पॉइंट्स स्ट्रेट अवे मिलते हैं अगर आपके पास जॉब ऑफर आ गई है या जॉब आ गई है जो आपको 3 टाइम्स ऑफ अ मीडियन वेज ऑफर कर रहे हैं. तो 3 टाइम्स ऑफ अ मीडियन वेज बनती है $88.98 पर आवर. अगर आपको कोई भी जॉब मिली है जो कि $88.98 पर आवर आपको पे कर रही है या इससे ज़्यादा पे कर रही है, तो इट मीन्स कि आप 3 टाइम्स ऑफ अ मीडियन वेज
अर्न कर रहे हो न्यूजीलैंड में, तो आप स्टेट अवे 6 पॉइंट्स के लिए क्वालिफाई कर जाओगे और आप फाइल कर सकते हो अपना केस स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी के लिए। आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप की जॉब जो आपको मिली है या जॉब ऑफर जो आपको मिली है वो 2 टाइम्स ऑफ अ मीडियन वेज है, विच इज़ $59.32 पर आवर। अगर आपको कोई भी ऐसी जॉब मिली है जो 59.32 पर आवर आपको पे कर रही है और आपके पास 12 मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या परमानेंट पोजीशन है, तो यू कैन अर्न 4 पॉइंट्स आउट ऑफ इट। आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप 1.5 टाइम्स ऑफ अ मीडियन वेज अर्न कर रहे हो उस जॉब या उस जॉब ऑफर से जो आपको मिली है, तो वो बनते हैं 44.49 पर आवर। सो इफ़ यू हैव 44.49 पर आवर जॉब और अ जॉब ऑफर, यू कैन अर्न 3 पॉइंट्स आउट ऑफ इट। तो ये हो गया इनकम क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरह इन 6 पॉइंट्स को एक्वायर कर सकते हो। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने किसी एक स्ट्रीम के अंदर रहते हुए या क्वालिफिकेशन या ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन या फिर इनकम, इन तीनों में से एक को एक्वायर करना है, इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना है और अपने पॉइंट्स क्लेम करने हैं। ये नहीं आप कर सकते कि 3 पॉइंट्स आप क्वालिफिकेशन में से ले लो या 3 पॉइंट्स आप ले लो ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन में से या इनकम में से, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको किसी एक स्ट्रीम में रहते हुए मैक्सिमम पॉइंट्स एक्वायर कर रहे हैं। देन यू विल हैव द पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शन, देन यू विल हैव अ फेयर चांस टू गेट पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा विच बेसिकली इनेबल्स यू टू वर्क इन न्यूजीलैंड फॉर 3 ईयर्स, एंड देन आउट ऑफ दोज 3 ईयर्स अगर आप एक साल भी जॉब कर लेते हो तो आपके पास 12 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस आ जाएगा जिसका आप 1 पॉइंट क्लेम कर लोगे, प्लस मास्टर्स डिग्री भी आपके पास होगी, तो 5 पॉइंट्स आपके वहाँ से आ जाएंगे, तो 5 + 1 = 6 हो जाएगा। तो आफ्टर गेटिंग योर मास्टर्स डिग्री डन एंड देन गेटिंग अ जॉब इन योर पर्टिकुलर एरिया, तो आप क्या कर सकते हो कि आपने 6 पॉइंट्स को पूरे करके रेजिडेंट बन सकते हो न्यूजीलैंड में। और थर्ड ऑप्शन है कि ग्रीन लिस्ट और ट्रांसपोर्ट कैटेगरी वीज़ाज़ में आप देख लोगे, अगर आपका ऑक्यूपेशन ग्रीन लिस्ट में है तो आपके लिए एक डिफरेंट पाथवे भी हो सकता है जिसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको 6 पॉइंट सिस्टम के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल हो गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कॉमेंट्स हैं, कोई भी फीडबैक आप लेना चाहते हैं, कोई भी डिटेल क्वेश्चन हैं आपके, तो मुझे ईमेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल मौजूद है। आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई कुड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।